हेलो व्यूवर्स, केबिथिन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइकोलॉजी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 आत्म एवं व्यक्तित्व के अंतर्गत पश्च फ्रायडवादी उपागम। पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ऐसे रहे हैं जिन्होंने शुरू में सिगमंड फ्रायड के साथ मिलकर काम किया, लेकिन बाद में उन्होंने सिगमंड फ्रायड से अलग सिद्धांतों का विकास किया। ऐसे सिद्धांतकारों को पश्च फ्रायडवादी या नव फ्रायडवादी कहा गया। इसमें हमने कार्ल यूंग और कैरन हॉर्नी का सिद्धांत पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम अल्फ्रेड एडलर, एरिक फ्रॉम और एरिक एरिक्सन के सिद्धांतों को समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करते हैं अल्फ्रेड एडलर की। अल्फ्रेड एडलर, जिन्होंने लाइफस्टाइल और सोशल इंटरेस्ट की बात की है, यानी जीवन शैली और सामाजिक अभिरुचि। एडलर की थ्योरी को व्यष्टि या वैयक्तिक मनोविज्ञान कहते हैं, इंग्लिश में इंडिविजुअल साइकोलॉजी। इनके सिद्धांत का आधारभूत अभिग्रह या बेसिक अजम्पशन, जिसे मान्यता भी कह सकते हैं, तो इनके सिद्धांत का बेसिक अजम्पशन या मुख्य मान्यता ये है कि ह्यूमन बिहेवियर उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्योन्मुख होता है। यानी हम जो भी व्यवहार करते हैं वो किसी पर्पस से होता है और साथ ही साथ लक्ष्योन्मुख होता है, यानी गोल ओरिएंटेड या गोल डायरेक्टेड, हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाने वाला होता है। तो हम जो भी बिहेवियर करते हैं वो पर्पसफुल और गोल डायरेक्टेड होता है। हम सभी में चयन करने और सर्जन करने की क्षमता होती है। चयन करना यानी चूज करना और सर्जन करना यानी क्रिएट करना। हम अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के लक्ष्य और कार्यों को चयन करते हैं और क्रिएट करते हैं, और हमारे व्यक्तिगत लक्ष्य यानी पर्सनल गोल्स जिनको हम चूज करते हैं या फिर क्रिएट करते हैं, वो हमारे सोर्स ऑफ मोटिवेशन होते हैं, यानी प्रेरणा का स्रोत, क्योंकि हमारा व्यवहार इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर होता है। हमारे ऐसे लक्ष्य जिनसे हमें सुरक्षा प्राप्त होती है या फिर जो हमारी अपर्याप्तता की भावना पर विजय प्राप्त करने में हमारी सहायता करते हैं, वे सभी हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। अपर्याप्तता की भावना, यानी हम सभी के अंदर ये फीलिंग होती है कि हम में कुछ न कुछ कमियां हैं, स्वयं में किसी प्रकार की कमी की जो भावना होती है वो अपर्याप्तता की भावना कहलाती है। तो हमारे जीवन के ऐसे लक्ष्य जो हमारी अपर्याप्तता की भावना को दूर करते हैं या उन्हें हटाने में हमारी सहायता करते हैं, ऐसे लक्ष्य हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। एडलर का ये मानना है कि हम में से हर एक व्यक्ति किसी न किसी अपर्याप्तता और अपराध की भावना से ग्रस्त होता है। यानी हम सभी को ये लगता है कि हमारे अंदर कोई कमी है। जैसे किसी व्यक्ति को ये लग सकता है कि वो दूसरों के सामने खुद को बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इसके अलावा अपने लुक्स को लेकर, अपने कलर को लेकर या हाइट को लेकर हम सभी के अंदर ये फीलिंग होती है कि हमें कोई कमी है, और साथ ही साथ हम सभी किसी न किसी गिल्ट फीलिंग से ग्रस्त होते हैं। एडलर ने इसे हीनता मनोग्रंथि या इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहा है। यानी हमारे अंदर अपर्याप्तता और अपराध की जो भावना होती है कि हमारे अंदर कोई कमी है या फिर हम किसी चीज को लेकर गिल्ट फील करते हैं, इसे एडलर ने हीनता मनोग्रंथि या इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहा है। और ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बाल्यावस्था से ही उत्पन्न होता है, और अगर हम इस इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यानी हीनता मनोग्रंथि पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट सर्वोत्तम तरीके से होता है। अब हम पढ़ेंगे एरिक फ्रॉम को, जिन्होंने मानवीय महत्व यानी ह्यूमन कंसर्न के बारे में बात की है। जैसा कि हम सब जानते हैं, फ्रायड का सिद्धांत जैविक उन्मुक्तता की बात करता है। यानी फ्रायड ने अपने सिद्धांत में आनुवंशिकता और शरीर, इनको बहुत इम्पोर्टेंस दी है। एरिक फ्रॉम ने जैविक उन्मुक्तता की तुलना में सामाजिक उन्मुक्तता को इम्पोर्टेंस दी है। एरिक फ्रॉम का ये कहना है कि मनुष्य बेसिकली सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहता है और समाज के लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है। मनुष्य का समाज से अलग कोई अस्तित्व नहीं है और ना ही व्यक्ति समाज से अलग रहकर सर्वाइव कर सकता है। एरिक फ्रॉम का मानना है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और उसको और दूसरे लोगों के साथ उसके किस तरह के संबंध है, उसी के आधार पर उस व्यक्ति को समझा
जा सकता है, यानी किसी व्यक्ति को समझना हो तो दूसरे लोगों के साथ उसके किस तरह के संबंध हैं, पहले उन्हें समझना होगा, उसी के आधार पर हम उस व्यक्ति को समझ सकते हैं। एरिक फ्रॉम का मानना है कि ग्रोथ और डिफरेंट टाइप की एबिलिटीज को अचीव करना, ये तभी उत्पन्न होते हैं जब हमारे अंदर स्वतंत्रता की इच्छा हो और साथ ही साथ जब हम न्याय और सत्य के लिए संघर्ष करें। यानी इस समाज में हमारी ग्रोथ तभी हो सकती है या फिर हम चीजों को तभी अचीव कर सकते हैं जब हमारे अंदर स्वतंत्रता की इच्छा हो, यानी हम फ्रीडम चाहते हैं, और साथ ही साथ जब हम संघर्ष करते हैं। एरिक फ्रॉम का ये मानना है कि हमारे चरित्र विशेषक यानी हमारी पर्सनालिटी में जो भी ट्रेट्स होते हैं, जो भी गुण होते हैं, जिन्हें करैक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, वो दूसरों के साथ जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनसे डेवलप होते हैं। यानी जब हम दूसरों के साथ मिलते जुलते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें कुछ एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव होते हैं जिनके कारण हमारा व्यक्तित्व विकसित होता है, या यूं कह सकते हैं कि व्यक्तित्व में हमारी पर्सनैलिटी में जो भी करैक्टरिस्टिक्स गुण या ट्रेट होते हैं वो हमारे अनुभवों से, हमारे एक्सपीरियंस से डेवलप होते हैं। और ये एक्सपीरियंस हमें तब मिलते हैं जब हम दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दूसरे लोगों के साथ मिलते जुलते हैं। हर समाज के अपने कुछ रीति रिवाज, परंपराएं और प्रथाएं होती हैं जिनसे उस समाज का कल्चर बनता है। उस समाज में रहने वाले लोगों की पर्सनालिटी में जो भी विशेषताएं होती हैं, यानी कि जो भी ट्रेट्स होते हैं, उनको शेप देने में, स्वरूप देने में उस समाज के जो भी प्रक्रम यानी सोशल प्रोसेस, किसी भी समाज में रहने वाले लोगों के जो भी चरित्र विशेषक होते हैं या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं या पर्सनालिटी में जो ट्रेट्स होते हैं, वो उस संस्कृति को, उस सामाजिक प्रक्रम को स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक प्रक्रम यानी सोशल प्रोसेस यानी समाज में होने वाली प्रक्रियाएं, जैसे समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन, इसके अलावा सहयोग, प्रतिस्पर्धा, मेलजोल, समझौता, यानी समाज के लोगों में जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको सामाजिक प्रक्रम कहते हैं यानी सोशल प्रोसेस कहते हैं। तो किसी समाज में लोगों के क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं या लोगों की क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं पर ही सोशल फंक्शन और वहां का जो कल्चर है उसको शेप मिलता है। मान लीजिए किसी समाज के लोग बहुत ही सहयोगी स्वभाव के हैं, यानी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और हर अच्छे बुरे समय में एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, तो उनकी इस विशेषता की झलक उनके सामाजिक प्रक्रमों यानी कि जो भी उनके सोशल फंक्शंस होंगे उनमें और उनके कल्चर में दिखाई पड़ेगी। एरिक फ्रॉम का ये मानना है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कोमलता, प्रेम, इस तरह के जो सकारात्मक गुण होते हैं उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब हम बात करते हैं एरिक एरिक्सन की, जिन्होंने अनन्यता की खोज यानी सर्च ऑफ आइडेंटिटी की बात की है। अनन्यता यानी पहचान, आइडेंटिटी। एरिक्सन ने अपने सिद्धांत में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए तार्किक प्रक्रियाओं और साथ ही साथ ईगो की उन प्रक्रियाओं यानी प्रोसेस पर बल दिया है जो कि सचेतन है, यानी ईगो की वो प्रक्रियाएं, वो फंक्शंस जिनके प्रति हम अवेयर हैं। इनके अनुसार विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में ईगो आइडेंटिटी का केंद्रीय स्थान है। ईगो की पहचान यानी खुद को पहचानना कि हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है। किशोरावस्था में अनन्यता संकट यानी पहचान संकट, जिसे इंग्लिश में आइडेंटिटी क्राइसिस कहा गया है, ये एरिक एरिक्सन के थ्योरी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अनन्यता संकट या पहचान संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस से मतलब उस सिचुएशन से है जब व्यक्ति अपनी लाइफ में डिफरेंट टाइप के चेंजेस से गुजरता है, विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों से गुजरता है। जैसे व्यक्ति नौकरी की तलाश कर रहा है और उसे नौकरी नहीं मिल रही, या फिर घर में किसी की मृत्यु हो जाए, या फिर माता पिता का डाइवोर्स हो जाए, तो इस तरह के जो लाइफ में चेंजेस आते हैं उनकी वजह से व्यक्ति खुद को अकेला, खाली, लक्ष्यहीन समझता है। और यही भावना
पहचान संकट या अनन्यता संकट कहलाती है। जब व्यक्ति को लगता है कि मेरी कोई पहचान नहीं है, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, मैं इस दुनिया का सबसे बेकार व्यक्ति हूँ, ऐसे स्थिति में व्यक्ति किसी प्रकार का निर्णय नहीं ले पाता और साथ ही साथ इमोशनली अनस्टेबल फील करता है, यानी संवेगात्मक रूप से अस्थिरता महसूस करता है। ये पहचान संकट या आइडेंटिटी क्राइसिस किशोरावस्था में बहुत ज्यादा देखने में आती है। मनोगतिक सिद्धांत यानी साइकोडायनेमिक थ्योरी की कई तरह से आलोचना की गई है। सबसे पहली आलोचना इस बात को लेकर की गई है कि यह सिद्धांत मुख्य रूप से केस स्टडी पर आधारित है, क्योंकि सिगमंड फ्रायड जो कि क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के द्वारा अपने क्लिनिक पर आने वाले रोगियों का इलाज करते थे, उन्हीं रोगियों की केस स्टडी यानी व्यक्ति अध्ययन पर उन्होंने अपना सिद्धांत डेवलप किया था। तो ऐसा सिद्धांत जो कुछ पेशेंट्स की केस स्टडी पर डेवलप किया गया हो, उसमें परिशुद्धता और वैज्ञानिक आधार का अभाव होगा। क्योंकि इन्होंने केस स्टडी के आधार पर अपना सिद्धांत विकसित किया था, तो जाहिर सी बात है जो सैंपल होगा यानी जिन लोगों पर इन्होंने अध्ययन किया वो प्रतिदर्श या सैंपल कम संख्या वाले लोगों का होगा, और ऐसे कम संख्या पर किए गए अध्ययन को जनरलाइज करना या सामान्यीकरण करना मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिहाज से ठीक नहीं है। सिद्धांत में जो भी कॉन्सेप्ट है उनको ठीक तरह से परिभाषित नहीं किया गया है और ना ही उनका परीक्षण किया गया है। फ्रायड ने मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए जो भी अध्ययन किया है उसमें सैंपल के तौर पर केवल पुरुषों को लिया है। अपने अध्ययन में उन्होंने महिलाओं के अनुभवों और परिप्रेक्ष्यों यानी पर्सपेक्टिव्स पर ध्यान नहीं दिया है, यानी सिगमंड फ्रायड ने केवल पुरुषों के एक्सपीरियंस को बेस्ड मानते हुए अपने सिद्धांत को डेवलप किया है, उसमें महिलाओं के एक्सपीरियंस और महिलाओं के दृष्टिकोण पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। सो व्यूवर्स, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी आज की क्लास? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।